हेलो दोस्त, कैसे हैं सब? अभी मैं सऊदी में हूँ। मैं कुमार फिर से वेलकम टू एक नया वीडियो के साथ, नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक ही वो लोग के लिए है, वो दोस्त के लिए है जो परदेश आना चाहता है, अपना कंट्री छोड़ के दूसरा कंट्री जाना चाहता है काम करने के लिए। वही लोगों के लिए आज का ये छोटा सा टॉपिक, ये छोटा सा वीडियो आप ज़रूर लास्ट तक देखना ये वीडियो। अगर कोई दोस्त, कोई लोग परदेश आना चाहते हैं काम, तो ज़रूर कुछ चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। तो वही चीज़ के बारे में थोड़ा मैं आज बताऊंगा आप लोगों को। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कोई भी आदमी अगर वो चाहता है कि हम हमारा देश छोड़ के परदेश से जाएंगे काम करेंगे उधर, तो पहले आपको, आप जो काम करते हो, आपका जो काम अच्छा है, आपको जो काम अच्छा लगता है, आपका द्वारा जो काम अच्छा होता है, पहले वही काम से, अपना देश से अच्छा से काम करके एक कारीगर बनो, अच्छा कारीगर। जो काम आपको होता है, आपसे जो काम होता है, वही काम से कारीगर बनो। पहले प्रैक्टिस करो उधर, आप वही काम पे परदेश आ सकते हैं। पहले कोई भी एक काम पे आपका, पहले कोई भी एक काम पे आपको जो काम अच्छा लग रहा है, जो काम अच्छा आप कर सकते हैं, वही काम पे एक कारीगर बन के फिर परदेश आने के मन करो। दूसरा, आपको कन्फर्म दो लैंग्वेज आना चाहिए। आपका जो भी लैंग्वेज है वो तो है, फिर दूसरा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लाजिमी आना चाहिए। हिंदी कन्फर्म तो चाहिए ही चाहिए, इंग्लिश ही थोड़ा बहुत मालूम है तो चल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हिंदी लाजिम मालूम होना चाहिए आपको। ये गया लैंग्वेज, आपका काम पे कारीगर हो गया। दूसरा, कोई भी कंट्री आप आना चाहते हैं, पहले यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, यूट्यूब पे दुनिया का हर चीज़ का वीडियो यूट्यूब पे है। पहले आप यूट्यूब जाओ, आप जो काम पे परदेश आना चाहते हो, पहले वही काम का बारे में, वो विदेश से कैसे वो काम होता है, कैसे उनका सैलरी, कैसे कितना सैलरी कैसे देते हैं, पहले कौन कौन जाके उधर कैसे काम कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, कैसे काम इधर हो रहा है, वो अच्छा है कि नहीं है, वही काम पे आप वीडियो देखो यूट्यूब पे। फिर दूसरा, जो भी कंट्री आप जाना चाहते हैं, पहले वो कंट्री का रूल रेगुलेशन आइन कैसा है, वो आप लाजिम आपको पता करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। वो उस बार का वीडियो भी आप यूट्यूब से देख सकते हो कन्फर्म। फिर आपको हर कंट्री का मौसम अलग अलग होता है, तो आप पहले अपना कंट्री से हर मौसम के साथ एडजस्ट करने का आदत डालो। फिर आपका उम्र, आपका एज 22 साल से ज़्यादा होना चाहिए लाजिम। फिर आप आने के लिए परदेश ट्राई करो। बहुत ऐसे और भी बहुत कुछ टिप्स ही है जो कि आपको लाजिम आने से पहले पता करना पड़ेगा, तो ज़्यादा
बोलेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं बताऊंगा। ज़्यादा टिप्स दोगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज का वही छोटा सा टिप्स, कम से कम इतना ही ध्यान देना चाहिए। कोई भी परदेश आना चाहता है इतना ही ध्यान जरूर दो आने से पहले, और ऐसे टिप्स को ध्यान दे के कन्फर्म हो के आप विदेश आओगे तो विदेश आके आप नहीं फंसोगे। अगर ऐसे ध्यान नहीं दोगे पहले आने से पहले तो विदेश आके फंस जाओगे। बहुत लोग ऐसे फंसा है, हम देखा है। और आप चाहते हैं तो कमेंट करके मेरे को बताओ। फिर मैं ऐसे जल्दबाजी में विदेश मत आओ किसी का बात में आकर। आने से पहले मैं जो छोटा सा टिप्स बताया ज़रूर आप फॉलो करो। फॉलो करके आओगे तो आप नहीं फंसोगे किधर जाके। और ऐसे किसी बात पे आके आ जाओगे तो आके बुरी तरह से फंस जाओगे, फिर ही मुश्किल है। फिर मिलेंगे हम एक नया टॉपिक नया वीडियो के साथ। तब तक बाय, जय हिंद।